बिहार में लोजपा नेता की हुई दिनदहाड़े हत्या, दाढ़ी बनवाते समय गोली मार बदमाशों ने चढ़ा दिया मौत के घाट। बुधवार को बिहार में स्थित गया के आमस थाना क्षेत्र में एक लोजपा नेता को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। तीन बदमाशों ने नेता मोहम्मद अनवर अली खान को घेर गोली मार दी। घटना पर बौखलाए परिजन और वहाँ के निवासियों ने हाईवे 82 को जाम कर दिया है। परिजनों ने मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाए। घटना के बाद GT रोड जाम हो चुका है। यह घटना तब घटी जब अनवर अली अपनी दाढ़ी बनवाने एक सैलून में गए थे। दाढ़ी बनवाने के दौरान ही एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर आए और धुआंधार फायरिंग के साथ अनवर की छाती छलनी कर दी। अनवर अली लोजपा लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष थे। फायरिंग को देखकर बाजार में मौजूद लोगों में दहशत का माहौल फैल गया। गोली की आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी होने लगी। कुछ लोग गोली की आवाज सुनकर भागने लगे तो वहीं कुछ लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगे। ग्रामीणों ने हाईवे 82 को जाम कर दिया। वहीं अनवर अली के परिजनों ने तुरंत अपराधियों को पकड़ने की कड़ी मांग की। इस पूरे मामले पर गया के SP हिमांशु ने बताया कि जब अनवर अली शेविंग कराने गए थे तब अपराधियों ने आकर अंधाधुंध फायरिंग करके अनवर अली की हत्या कर दी। क्रोध में आग बबूला हुए लोगों को नेशनल हाईवे से जाम हटाने के लिए समझाया गया। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और आसपास के सभी CCTV कैमरों की फुटेज भी चेक की जा रही है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज भेजा है। जानकारी के मुताबिक अनवर अली गुरुआ विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके थे। पूरे इलाके में काफी प्रसिद्ध भी थे। अनवर के खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है।